महाविकास आघाड़ी की सरकार के मुखिया और राज्य की सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर हिंदुत्व का नारा बुलंद किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि शिवसेना ने हिंदुत्व की अपनी विचारधारा को छोड़ा नहीं है और ना ही उससे कोई समझौता किया है। सामना के संपादक संजय राउत को दिए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, गठबंधन किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने धर्म बदल लिया है। बता दें आपको कि इंटरव्यू आने वाली 3, 4 और 5 तारीख को सामना में प्रकाशित किया जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदू हृदय सम्राट कौन है, इस सवाल पर एमएनएस और शिवसेना में लड़ाई शुरू हो गई है। जी हाँ, बता दें आपको कि एमएनएस जोर शोर के साथ हिंदुत्व की राजनीति पर अपना रही है। इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे में एक पोस्टर लगा है जिसमें राज ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा गया है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाआघाड़ी सरकार है, तो वहीं अगर विचारधारा की बात की जाए तो कई बार विचारधारा पर सवाल उठ चुके हैं, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस की विचारधारा मेल नहीं खाती और इस पर बीजेपी ने भी कई बार तंज कसा है कि कब तक, देखते हैं कि कब तक तिगड़ी सरकार चलेगी। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।